भोपाल के खानु गांव में एनआईए की रेड एक संदिग्ध गिरफ्तार, पीएफआई के लिए काम करने का शक। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बुधवार सुबह भोपाल के खानु गांव में दबिश दी। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया है। उसका नाम मूसा खान, उम्र 60 वर्ष बताया जा रहा है। वह करीब एक साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसी को उसके पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संपर्क के इनपुट मिले हैं। इससे पहले एनआईए ने करीब 2 महीने पहले जहांगीराबाद इलाके में छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। नीमच में जांच एजेंसी के इनपुट पर व्यापारी हिरासत में। मध्य प्रदेश एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में नीमच से एक व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक नीमच के व्यापारी दीपक सिंघल ने करोड़ों रुपए का हवाला सेल कंपनियों के मार्फत किया है। व्यापारी पर आरोप है कि उसके कनेक्शन चीन में भी हैं। व्यापारी ने हवाला के जरिए कई देशों में करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। जीएसटी विभाग का भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं चुकाया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दीपक सिंघल को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई एनआईए के इनपुट के आधार पर की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।